Good morning, students. How are you? So, today we will start a new chapter. Part 2. और इस पार्ट का नाम है आम की कहानी. तो बच्चों, ये एक चित्र कथा है. चित्र कथा मतलब पिक्चर बेस्ड स्टोरी. मतलब इस पिक्चर को देखकर हमें स्टोरी बनानी है. तो बच्चों, आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स को. वेरी गुड. तो चलो, सबसे पहले हम फर्स्ट पिक्चर की ओर चलते हैं. तो बच्चों बताओ, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? गुड. इसमें एक पेड़ पर एक पका हुआ आम लटक रहा है और एक बच्ची इस आम को देखकर बहुत खुश हो रही है, यानी कि वो इस आम को पाना चाहती है. राइट. पर वहीं पर एक कौवा भी है और उसकी भी नजर उसी आम पर है, यानी कि दोनों उस आम को पाना चाहते हैं. चलिए, अब हम नेक्स्ट पिक्चर की ओर चलते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है. तो बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है. जो लड़की है वो अपने भाई को बुलाकर लेकर आती है और वह उस आम को तोड़ने के लिए कहती है. वहीं पर दूसरे पेड़ पर बैठा ये कौवा ये सारी चीजें देखता रहता है. उसके भाई के हाथ में गुलेल होती है. वह उस गुलेल से उस आम को तोड़ता है. तो बच्चों, ये थी सेकेंड पिक्चर. तो आपको समझ में आया कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है? वेरी गुड. तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. अब हम आते हैं पिक्चर नंबर 3 पर. तो यहां देखिए क्या हुआ है. बच्चे ने गुलेल से आम को तोड़ा और जैसे ही वो आम टूटकर नीचे आता है, कौवा तुरंत उस आम को लपक लेता है. वह अपने मुंह में पकड़कर उसको उड़ जाता है और ये देखकर लड़की और लड़का दोनों हैरान हो जाते हैं. फिर देखिए क्या होता है. इट इज इंटरेस्टिंग, राइट? यस. सो अब हम फोर्थ पिक्चर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है. देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये एक मधुमक्खी का छत्ता है. तो जब कौवा वहां से आम को मुंह में पकड़कर जा रहा होता है, तो आगे चलकर वह एक मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है. और जैसे ही वह मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है, सारी छत्ते की जो मधुमक्खियां होती हैं वो छत्ते से बाहर निकल जाती हैं और वह कौवे के पीछे पड़ जाती हैं. और इससे घबराकर कौवे के मुंह से वो जो आम होता है वो आम गिरने लगता है. तो बच्चों, अब आगे क्या होता है? तो अब हम इसे अगली वीडियो में देखेंगे. तो बताओ, यहाँ तक की स्टोरी आपको कैसी लगी? इट इज इंटरेस्टिंग, वेरी गुड. तो अगली स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बाय.